भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में महंगाई दर 17% के पार पहुंच चुकी है। लोग पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन खरीदने के लिए घंटों लाइनों में लगने को मजबूर हैं। जरूरी सामान 4 गुना से ज्यादा महंगे हो गए। यहाँ तक कि पैरासिटामोल की एक गोली जो भारत में 1 या 2 रुपए की उपलब्ध है, श्रीलंका वालों को 45 से 50 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। 10 घंटों से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ है। श्रीलंका चीन के चालों को समझ नहीं पाया और उसके कारण आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। चीन से कर्ज लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब जाके श्रीलंका को समझ आ रहा होगा। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है, खाद्य पदार्थों की कीमत में बेतहाशा तेजी आई है और सरकारी खजाना खाली हो रहा है। आशंका इस बात की है कि कहीं श्रीलंका दिवालिया ना हो जाए। सवाल ये है कि श्रीलंका की ये हालत कैसे हुई। इसके कई कारण है। दरअसल कोरोना संकट के कारण देश का टूरिज्म सेक्टर लड़खड़ा गया, साथ ही सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती के साथ साथ श्रीलंका में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार ने हालत को और बदतर बना दिया। ऊपर से चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई। चीन की श्रीलंका पर $5 अरब से अधिक का कर्जा है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और $1 अरब का कर्जा लिया। अगले 12 महीनों में श्रीलंका को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब $7.3 अरब की जरूरत है। ऐसे हालात में श्रीलंका को समझ आ रहा होगा कि गलती कैसे हो गई, पर श्रीलंका अगर अब भी नहीं चेता तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है।